तो कैसे हो भाई लोग। जी हाँ गाइस यार, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला है कि यार आप अपना BGMI के अंदर लैग फिक्स कैसे कर सकते हो कोई भी GFX टूल यूज ना करके और कोई भी कॉन्फ़िग यूज ना करके। जी हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ कि BGMI के अंदर इल्लीगल है GFX टूल्स यूज करना और कोई भी कॉन्फ़िग फाइल यूज करना। तो इन दोनों के अलावा आपका फोन 2GB रैम हो, 3GB रैम हो या 4GB रैम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका फोन का लैग 101% ठीक हो जाएगा। ठीक है, 90% तो हो ही जाएगा, 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% जो है वो लैग फिक्स हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा बिल्कुल टेक्निकल चीज बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो अभी नए बंदे आ रहे हैं वीडियो पे, जो नए बंदे आ रहे हैं चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई हर वीडियो के अंदर 60 UC का रिडीम कोड होता है। ठीक है, गूगल प्ले वाउचर का रिडीम कोड होता है 75 रुपीज का। तो वीडियो को पूरी देखा करो यार, और रिडीम कोड आपको वीडियो के बीच में कहीं भी मिल जाएगा, जाओ जाके रिडीम कर ले करो। और जो बंदा रिडीम कर ले यार, वो कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके जरूर बता दे करो, कि ताकि और बंदे जो है ना यार वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो और वो बार बार ट्राई ना करे और कमेंट ना करे कि भाई रिडीम नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भाई जिन्होंने भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है, और अगर आप T3 T2 T1 कस्टम रूम्स खेलना चाहते हो, ठीक है, फन कस्टम्स खेलना चाहते हो, ओपन कस्टम्स खेलना चाहते हो, तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो फटाक से, और T3 T2 और T1 खेल सकते हो। अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स भी आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे साइड से। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो यार, तुम्हें सबसे मेन रीजन बता दूं कि आपका फोन जो है वो लैग क्यों करता है, गेम जो है वो लैग क्यों करता है। देखो, उसके पीछे मेन रीजन होता है एक तो इंटरनेट इशू। अगर आपका मोबाइल डेटा जो है उसको नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा तो करता है लैग। ठीक है, अगर वाईफाई अच्छा नहीं है तो करता है लैग। अगर आपका वाईफाई भी ठीक है, मोबाइल डेटा भी मतलब अच्छा खासा पिंग आता है, लेकिन तब भी गेम लैग करता है, तो उसके पीछे देखो सिंपल सीधा रीजन होता है। लाइक अगर आपका फोन 4GB रैम का है, तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, आप फोन की सेटिंग्स में जाके भी देख सकते हो जब भी आप कोई न्यू फोन लेते हो, कि भाई 2.5GB जो रैम है ना वो आपका सिस्टम ही यूज कर लेता है रैम। ठीक है, तो आपके पास बचती है सिर्फ 1.5GB रैम। ठीक है, उसके बाद जब आप गेम खेलते हो, गेम ओपन करते हो, लॉग इन करते हो और गेम प्ले करते हो ना, वो जो बाकी बची हुई रैम होती है ना वो भी वो यूज करता है। इसी वजह से जो है फोन हीट भी होता है, और इसी वजह से जो है वो रैम कम यूज होती है, रैम कम मिलती है, और उसके बाद जो है वो गेम लैग होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको सिंपल सीधा तरीका बताता हूँ, उसमें आपको कोई GFX टूल यूज नहीं कर रहा, कोई कॉन्फ़िग फाइल यूज नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाके सर्च मार लेना जो मैं ये दो चीज बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो इस वीडियो में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में वैसे बता रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च मारना बूट अनलोडर करके, ठीक है, उसके अंदर अपने फोन का मॉडल नंबर लिखना, आपका आ जाएगा कि आप लोग बूट अनलोडर कैसे कर सकते हो अपने फोन को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कस्टम रिकवरी फ्लैश। ठीक है, इससे भी जो है आपका प्रोसेसर बहुत तगड़ा वाला जो है वो ओवरक्लॉक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो कंपनीज होती है वो प्रोसेसर ना ओवरक्लॉक करके नहीं देती है, वो एक जगह पे लॉक कर देती है स्पीड प्रोसेसर की। ठीक है, जिससे कि आपका फोन जो है वो हीट भी होता है और स्पीड पूरी नहीं दे पाता। तो ओवरक्लॉकिंग करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कस्टम रिकवरी फ्लैश। इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना, बहुत वीडियोस है हर एक फोन के मॉडल्स की। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप चाहते हो कि मैं इन दो चीजों के ऊपर भी वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन सारी चीजों की। ठीक है, तो मेन तरीके की तरफ बढ़ते हैं, इन दोनों चीजों को हटा के कि आप ऑल्टरनेट वेज में कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताया, तो ये वाली एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ये एक तरीके से आपकी वर्चुअल रैम जो है वो क्रिएट कर देती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्वैप नो रूट, इसमें कोई रूट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, कोई रिबूट नहीं करना फोन, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सीधा क्रिएट स्वैप पे क्लिक करना, यहाँ पे 1000 MB लिख देना, 1000 MB का मतलब 1GB रैम। इस पे क्रिएट स्वैप करोगे तो आपके पास यहाँ दिखाएगा कि आपके पास कॉइन्स नहीं है क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे 20-25 सेकंड की एड देख लेना, आपके पास 10 कॉइन्स हो जाएंगे और आपका जो है वो 1GB रैम वर्चुअल रैम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल रैम होगा ये, इससे आपके गेम में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ 4GB जो आपकी इंटरनल रैम है ना वो +1 एक्स्ट्रा रैम हो जाएगी आपकी वर्चुअल रैम। ठीक है, तो इससे आपका जो रैम है वो इंक्रीज हो जाएगी वर्चुअली, और गेम में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी ऐप मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक देना किसी भी चीज का इलीगल है यूट्यूब की साइड से। ठीक है, तो यार मैं खुद रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, और वहां पे आपको लिंक दे दूंगा। मीडिया फायर का लिंक होगा, ठीक है, कोई भी आपको कुछ ऐड देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मीडिया फायर के लिंक पे क्लिक करना और डाउनलोड एक क्लिक में हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट है ना, ये आपको डिफॉल्ट की जगह यहाँ पे मैक्स पावर कर देना, ये है प्रोसेसर के लिए। आपका जो भी प्रोसेसर होगा ना, अगर आप उसे मैक्स पावर कर देते हो भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्क आपको गेम प्ले में देखने को मिलेगा, बिल्कुल लैग नहीं होगा बिल्कुल भी। और भी ज्यादा अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कस्टम रिकवरी फ्लैश का। कस्टम रिकवरी फ्लैश जो है वो
यूट्यूब पर सर्च मारो अपने मॉडल नंबर के हिसाब से और कस्टम रिकवरी फ्लैश कर लो। उसके बाद ये दोनों चीज़ें करने के बाद कस्टम रिकवरी फ्लैश जरूर करना, फ़ोन रिस्टार्ट करना, 100 वर्ड पर लैग जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीज़ है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी GFX टूल यूज़ नहीं करना है। कोई बंदा ये मत देना कि सर हम बैन तो नहीं हो जाएंगे इससे, या भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो आप अपने फ़ोन के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो, ठीक है, गेम के साथ आप लोग कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हो, ना आप लोग GFX टूल यूज़ कर रहे हो, ना कोई कॉन्फ़िग फाइल अपने गेम में लगा रहे हो, ठीक है। तो बैन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई, ये तो खुद यार लॉजिक वाली चीज़ है कि आप अपने फ़ोन की रैम और प्रोसेसर के साथ जो है वो ओवरक्लॉक कर रहे हो, ठीक है ना, या वर्चुअल रैम बना रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि बूट अनलोडर वाली वीडियो और कस्टम रिकवरी फ्लैश वाली वीडियो बनाओ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ की भी बना दूंगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।